मंगलवार की सुबह अमेरिका के बाहरी बाल्टीमोर हार्बर क्षेत्र में एक हादसा हो गया। दरअसल यहां एक मालवाहक जहाज बाल्टीमोर हार्बर को पार करने वाले पुल से टकरा गया। इस हादसे के बाद पुल ढह गया और घटना में कई लोगों की मौत की आशंका है। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में पटाप्सको नदी पर बने एक ऐतिहासिक पुल फ्रांसिस स्कॉट की से कंटेनर जहाज टकरा गया, जिससे यह पूरी तरह से ढह गया। बताया जा रहा है कि कम से कम 7 लोग और दर्जनों कारें नदी में गिर गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। बाल्टीमोर के फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि एक विशाल मालवाहक जहाज मंगलवार को इस पुल से टकरा गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव अभियान को तेजी से चलाया जा रहा है। मेरीलैंड के ट्रांसपोर्टेशन प्राधिकरण ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे दूसरा रास्ता अपनाएं और उस तरफ नहीं बढ़े। यही नहीं, नदी के रास्ते को दोनों ही तरफ से रोक दिया गया है और ट्रैफिक को दूसरी तरफ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग नदी में फंसे हुए हैं। बाल्टीमोर के फायर डिपार्टमेंट ने पुष्टि की है कि बाल्टीमोर का पुल ढह गया है और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। हालांकि अभी कितने लोग मारे गए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि यह पुल 3 किलोमीटर लंबा है। बाल्टीमोर के मेयर ब्रांडोन एम स्कॉट ने कहा है कि आपातकालीन दल बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य को चला रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात को 1:30 बजे हुआ है। उन्होंने बताया कि एजेंसियों को सूचना दी गई कि यह टक्कर मारने वाला जहाज बाल्टीमोर से जा रहा था। इसी दौरान टक्कर हो गई और वह ढह गया। इस दौरान पुल के ऊपर से कई वाहन गुजर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका पूरा फोकस राहत और बचाव पर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।